हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बोट कंपनी के तरफ से आने वाले पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर बोट अटोन 650 के बारे में बताने वाला हूं, जो 2000 के अंडर काफी पॉपुलर ब्लूटूथ स्पीकर हैं। और वीडियो बनाते समय इसका करंट प्राइस 1499 रुपये है, जिसका प्राइस ऑफर एंड डील के समय काफी फ्लक्चुएट होते रहता है। और इसे हमने लगभग 10 दिन पहले 1899 रुपये में परचेज किए थे। तो चलिए दोस्तों, इसका अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं कि बॉक्स में हमें क्या क्या देखने को मिलता है, और इसका कंप्लीट साउंड टेस्ट भी करेंगे। इसीलिए पूरी जानकारी के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। दोस्तों, यह स्पीकर 3 कलर ऑप्शन में अवेलेबल है, ब्लैक, ब्लू एंड रेड, और हमारे पास ब्लैक कलर ऑप्शन में स्पीकर अवेलेबल है। तो चलिए दोस्तों, बॉक्स को ओपन करते हैं। तो सबसे पहले हमें एक यूजर मैनुअल देखने को मिलता है और एक साल का वारंटी कार्ड देखने को मिलता है। एंड ये रहा स्पीकर, इसे फिलहाल साइड में रखते हैं और देख लेती है कि हमें बॉक्स में और क्या क्या देखने को मिलता है। दोस्तों, इसके अलावा बॉक्स में हमें एक ऑक्स केबल देखने को मिलता है और एक माइक्रो यूएसबी केबल दिया गया है, जिससे आप स्पीकर को चार्ज कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये रहा मेन स्पीकर। सबसे पहले हम इसके ओवरव्यू देख लेते हैं। इसके फ्रंट में बोट का ब्रांडिंग एंड स्पीकर के चारों तरफ मेटल का ग्रिल देखने को मिलता है, और इसके राइट और लेफ्ट साइड में रबराइज मटेरियल का यूज किया गया है। अगर स्पीकर आपके हाथ से छूट जाता है तो ये उसको काफी हद तक बचा लेता है। और नीचे के साइड में आपको एक ट्राइपॉड माउंट देखने को मिल जाता है, जिसे आप चाहें तो अपने ट्राइपॉड पर भी माउंट कर सकते हैं। स्पीकर के राइट साइड में इसके मीडिया को कंट्रोल करने के लिए बटन दिया गया है, इसे आप वॉल्यूम को डाउन एंड ऑफ कर सकते हैं। और ये मल्टीफंक्शनल बटन है, जिसे आप म्यूजिक को प्ले एंड पॉज कर सकते हैं और मोबाइल कॉल को रिसीव और रिजेक्ट कर सकते हैं। और नीचे वाले बटन के मदद से आप सॉन्ग को आगे पीछे कर सकते हैं। आगे के साइड यहाँ पर आपको ऑन ऑफ एलईडी लाइट और इसी के साथ आपको एक माइक्रोफोन देखने को मिल जाता है, और बैक साइड में पोर्ट के एक्सेस देखने को मिल जाता है। एक ऑडियो जैक दिया गया है और स्पीकर को चार्ज करने के लिए माइक्रो यूएसबी पोर्ट मिल जाता है। इसी के साथ आपको साइड में एक माइक्रो एसडी कार्ड स्लॉट दिया गया है। अगर आपको माइक्रो एसडी कार्ड में सॉन्ग है तो इसमें डालकर आप सॉन्ग को प्ले कर सकते हैं। दोस्तों, ये स्पीकर 10 वाट के आउटपुट के साथ में आता है। फ्रंट में इसके दो स्पीकर और पीछे के साइड में एक बेस रेडिएटर दिया गया है। और ये स्पीकर 1800 mAh की बैटरी कैपेसिटी के साथ में आता है, और कंपनी क्लेम करती है कि इसे आप 7 आवर्स तक प्ले कर सकते हैं, लेकिन रियली इसे आप 4 से 5 घंटे तक सॉन्ग को इजिली प्ले कर सकते हैं। ये स्पीकर IPX5 के रेटिंग के साथ में आता है, जो नॉर्मल वाटर से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कनेक्टिविटी के लिए ब्लूटूथ 4.2 का सपोर्ट इस स्पीकर में आपको देखने को मिल जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब इसका साउंड टेस्ट कर लेते हैं। मैं इसे अपने मोबाइल के साथ पेयर करता हूं, जिससे आपको कुछ आइडिया मिल जाए कि ये जो स्पीकर है इसका साउंड क्वालिटी कैसा है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं साउंड की। तो इसमें आपको साउंड क्वालिटी काफ़ी लाउड देखने को मिल जाएगा, और बेस भी काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। दोस्तों, अगर आप 1500 के बजट में एक अच्छा बेस वाले स्पीकर लेने का सोच रहे हैं तो इसके साथ आप जा सकते हैं। ऑफर एंड डील के समय इसका प्राइस आपको 1500 के अंदर देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक एंड दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।